नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के निवेश कार्यक्रम में मैं अतुल दुबे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं दर्शकों की बैंकिंग और उद्योग का चोली दामन का साथ है। अगर देखा जाए तो उद्योग विकास करता है बैंकिंग के सहयोग से और बैंकिंग व्यवसाय जो चलता है वो उद्योग जगत के डेवलपमेंट से। तो आज इन्हीं सब समस्याओं को या इन्हीं सब की गूढ़ बातों को समझने के लिए हमारे स्टूडियो में दो विशेषज्ञ पधारे हैं। बीपी दास जी जो कि फील्ड मैनेजर, फील्ड जनरल मैनेजर हैं यूनियन बैंक में, और भोपाल मंडीदीप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके जो भी लाइव प्रश्न हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-233-0040। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0755-266-0049। इन नंबरों से आप जो है हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ इस पर जो है विशेष टिप्पणी करेंगे। तो राजीव अग्रवाल जी, सबसे पहले जो है चर्चा को आरंभ करने के पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने मंडीदीप एसोसिएशन में जो है लघु उद्योग के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। जी, लघु उद्योग जो है MSME सेक्टर जिसको पॉपुलरली कहा जाता है, ये देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी आप ऐसा समझ लीजिए। एक्सपोर्ट का 40% या GDP का 27%, आंकड़ों की बात करें तो आप ये मानेंगे कि बड़ा मजबूत है। मंडीदीप स्पेसिफिक जो आपने कहा है, मंडीदीप एक बड़ा वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल एरिया है, लगभग जहाँ 400 से अधिक MSME इंडस्ट्रीज हैं, लघु उद्योग जिसे हम कहते हैं। मैंने क्या किया, मुझे लगता है सभी उद्योगों ने मिलकर हमने ये प्रयास किया कि हम एक दूसरे की ताकत कैसे बने। लघु उद्योगों में बहुत सारी समस्या, उनके पास उतनी लेबर नहीं होती है, उतनी एक्सपर्टाइज नहीं होती है, उतनी बैकअप हिस्ट्री नहीं होती है। तो हमने एक दूसरे को पहले तो एजुकेट करना शुरू किया, दूसरा फिर हमने ये कोशिश करी कि एक दूसरे के यहाँ पहुँच कर ये देखें कि गुणवत्ता में या टेक्नोलॉजी में हम क्या एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, वो किया। फिर हमने किया, हमारे उत्पाद चूंकि सब तक पहुँचे, जो कि MSME के पास बहुत बड़ा मार्केट तक रीच होता नहीं है कई बारी, तो हमने एक्सपो लगाए जहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग हमारे पास और बड़े सफल एक्सपो रहे। तो कोशिश ये रह जा रही है कि बने। और दूसरी एक बहुत बड़ा काम हमने किया कि भारत का पहला स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए हम प्रयत्नरत हैं कि भारत का पहला MSME इंडस्ट्री इन्वेस्टेड स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। तो इसमें आपको किस तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता होगा कुछ? जी जी जी, यानी समस्याएं तो मतलब जिंदगी का हिस्सा है, सभी को करना पड़ता है। बट देखिए, एक MSME इंडस्ट्री की बेसिक समस्या क्या है कि वो उतना टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड अभी नहीं है जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बदल गई है। डिजिटली शायद उतना ओरिएंटेड नहीं है जितने बाकी हो गए हैं। उसे पैसे की आज भी दिक्कत आती है, उसे आज भी क्योंकि एक छोटा MSME उद्योग किसी बड़े उद्योग पर डिपेंडेंट है, उसको सप्लाई कर रहा है, पेमेंट्स की उसको दिक्कत आती है, क्वालिटी को लेके ग्लोबल लेवल पे शायद वो उतना मैच करने की कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं पाता है। स्मार्ट HRM सिस्टम्स नहीं है एक आम इंडस्ट्री के पास, फाइनेंशियल नॉलेज की थोड़ी कमी, लेकिन ये सारी के बावजूद वो कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दास सर, मैं आपके पास जो है इसी प्रश्न को लेकर के आऊँगा जो राजीव जी ने समस्याओं के रूप में बताया। आपने एज ए बैंकर, आप चूंकि आप बैंक में हैं, तो आपने इस तरह की समस्याओं को हल करने के लिए क्या प्रयास किए हैं? बैंकर एक्चुअली हम लोग को पता है पर्टिकुलरली MSME सेक्टर मेजर इन बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो एडिक्वेट फाइनेंस एंड टाइमली फाइनेंस, अगर ये दो चीज़ मिल जाए उनको दे कैन डेवलप लाइक एनीथिंग। तो ये दो जो हिंडरेंसेस है बैंकिंग सेक्टर, सो वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव सो दैट हमारा जितने MSME कस्टमर्स है उनको टाइमली क्रेडिट मिले, हैसल फ्री क्रेडिट मिले एंड एडिक्वेट क्रेडिट मिले। इसीलिए बैंकिंग पर्टिकुलरली यूनियन बैंक बहुत सारा न्यू प्रोडक्ट्स लेके आया है जैसे कि उनको क्विकली एंड टाइमली क्रेडिट का फैसिलिटी भी मिल पाए, मिल जाए। हाँ, बहुत अच्छी बात। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं ना कि दोनों चीज़ें जो है किस तरह से एक दूसरे को, जैसे उद्योग जगत की बात करें और बैंकिंग व्यवसाय की बात करें, तो दोनों एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। दोनों एक दूसरे की समस्याओं को समझ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और उसी के साथ साथ उस समस्याओं का समाधान भी दे रहे हैं। अब जैसे एक बात आती है उद्योग जगत में लिमिटेड एक्सेस कैपिटल का, अगर जैसे उनको देखा जाए, अग्रवाल साहब आप इस बात से सहमत ही होंगे? बिल्कुल सहमत हूं कि उनको बहुत कम कैपिटल मिल पाती है जितने की जरूरत होती है। बैंक क्या करता है कि उसमें कट ऑफ कर देता है।
ऐसी समस्या होगी, बिल्कुल है। और तो बैंक आपसे जो है मैं सुनना चाहूंगा कि अगर हम सफिशिएंट कैपिटल प्रोवाइड करें तो मैं समझता हूं कि उद्योग जगत और ज्यादा डेवलप करेगा, तो उसके लिए क्या प्रयास है? इसके लिए एक्चुअली बैंक हमारा जैसे कि ईज एजेंडा में एक थीम है कि ईज ऑफ फाइनेंसिंग टू एमएसएमई सेक्टर, तो इस कड़ी में हम लोग एमएसएमई सेक्टर को हैसल फ्री लोन देने के लिए स्पेशलाइज सेल बनाए हैं, जैसे कि उनको एक्सपर्टाइज है कि कैसे असेस करें एग्जैक्टली उनका फंड्स रिक्वायरमेंट कैसा है। जैसे कि मध्य प्रदेश में हमारा 5 स्पेशलाइज सेल है, जैसे कि उनको हम लोग बोलते हैं यूनियन एमएसएमई लोन पॉइंट्स, हमारा ऐसे ही 5 ब्रांचेस है जो एक्सक्लूसिवली एमएसएमई लोन देते हैं, जो वी टेल इन यूनियन बैंक यूनियन लोन पॉइंट, उनका स्पेशल काम है कि असेस करें एग्जैक्टली कितना रिक्वायरमेंट है, एडिक्वेट फाइनेंस एमएसएमई सेक्टर को दे सकते हैं। अच्छी बात है, तो धीमे धीमे ये जब उनका एडिकेसी वगैरह ये सब जो है डेवलप हो जाएंगे तो आई सपोज कि सफिशियंट कैपिटल जो है उनको मिलना शुरू हो जाएगा। कई बार जो है प्रूफ भी करना पड़ जाता होगा कि भाई आप अपने आप को दिखा करके बताएं, तब जो है शायद उद्योग जगत में ये प्रॉब्लम भी धीमे धीमे करके समय के साथ हल हो जाएगी। एक प्रॉब्लम आता है हाई इंटरेस्ट रेट। अग्रवाल साहब, आप क्या फील करते हैं कि हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से उद्योग जगत को या इस एमएसएमई की बात करें तो उसको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा? अतुल जी, हाई इंटरेस्ट रेट किसी को भी होंगे तो उसको समस्या होगी, कोई भी हाई इंटरेस्ट रेट क्यों देना चाहेगा। दिक्कत क्या आ रही है कि बैंकों में एक बेसिक मिसट्रस्ट है एमएसएमई के प्रति कि यहाँ पता नहीं ये दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। दूसरी दिक्कत यह है कि वो लोग अपने सिबिल पे उतना काम नहीं कर पाते जितना शायद बड़े ग्रुप कर पाए। छोटी छोटी समस्याएं तो रेटिंग इंप्रूव हो सकती है, हाई इंटरेस्ट रेट लेना पड़ता है। हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब है आप तुरंत इनकॉम्पिटेटिव हो गए, बशर्ते उस आदमी के मुकाबले जिसके पास कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मुझे ये लगता है कि ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि एमएसएमई को, आपने दुखती रख पर हाथ रखा डॉक्टर अतुल, कि उनको सही और कम रेट पर इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सके, सफिशिएंट मिल सके। दूसरी बात, अभी जो दास साहब ने कही टीएटी बहुत हाई है, दास साहब कुछ भी कहें आज भी टर्न अराउंड टाइम बहुत ज़्यादा है, आपको ये जानना ही पड़ेगा। और ये यहाँ छोड़ दिए सर, अगर एमएसएमई को दो हिस्सों में देखें, अर्बन एमएसएमई की बात छोड़ दीजिए, जो सेमी अर्बन और रूरल एरिया में है उनके पास कोई चारा नहीं है सरकारी बैंक के जाने का, और वहाँ टर्न अराउंड टाइम ईश्वरी जानता है कि कितना है, कितने दिन लगेंगे। एक और मेजर समस्या है स्केल 3-4 का ब्रांच हेड बैठे हुए एजीएम, वो ब्रांच प्रपोजल ऊपर जाता है और वहाँ पर उसको नीचे उसमें जो क्वेरीज निकाल रहा है वो स्केल 2 का ऑफिसर है। मैं कहता हूँ बैंकों में कि अगर आपको स्केल 4-5 के ऑफिसर पर विश्वास नहीं है तो उसे हटा दीजिए, और या फिर वो उसको ये कहिए कि वो उंगली ना करे उन नीचे के ऑफिसर उनको। ये एक मेजर समस्या है छोटी छोटी। नहीं तो जैसा कि दास साहब ने बताया कि हाई इंटरेस्ट रेट बिल्कुल समस्या है, लेकिन उनको प्रूफ तो करना पड़ेगा। दर्शकों ध्यान दीजिएगा कि अगर उद्योग जगत अपने आप को प्रूफ करता है या अपनी कैपेबिलिटी के बियॉन्ड जाकर के काम करता है या डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है या अपने उद्योग का परफॉर्मेंस दिखाता है तो क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लगेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं इसमें मैं सप्लीमेंट करना चाहता हूँ रिगार्डिंग टैट के बारे में, तो ये जो दैट मीन्स टर्न अराउंड टाइम, इसको रिड्यूस करने के लिए बैंक्स भी काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि एक रिसेंटली स्टार्ट हुआ है एसटीपी, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस, जिसमें कि रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको थ्रू आप थ्रू में आप आपका पेपर्स और जितना क्रेडेंशियल अपलोड कीजिए एंड इन द स्पॉट आपको सैंक्शन डिसबर्समेंट भी हो सकता है। तो जैसे कि महिलाओं के लिए हम 25 लाख तक स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस में स्टार्ट किया है, तो इसीलिए प्रयास हमारा है कि जैसे कि हासिल फ्री होए एडिक्वेट क्रेडिट एमएसएमई सेक्टर को मिल सके। नहीं ये तो तय बात है कि आप दोनों लोग जो है देश की इकोनॉमी में बराबर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये अगर मैं उद्योग जगत की बात करूं तो वो भी अपना 100% दे रहा है और बैंकिंग सेक्टर भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मिनिमाइज कर रहा है, जिससे जो है हासिल फ्री लोन प्रोवाइड हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगे, है ना। तो अब अगर बात करते हैं, एक समस्या आती है उद्योग जगत में ये नए स्टार्टअप्स या नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ इनसफिशिएंट कोलेट्रियल की, उनके पास कोलेट्रियल देने के लिए उतना कुछ नहीं रहता, वो यंग हैं, उनके पास आइडिया अच्छा है,
लेकिन समस्या कहाँ पर आती है, उनके पास कोलेट्रियल में, मैं राजीव अग्रवाल जी इससे सहमत होंगे और साथ ही दास साहब से इसका सॉल्यूशन जानना चाहूँगा कि बैंक इस ओर क्या कदम उठा रहा है। पर एमएसएमई सेक्टर के लिए अंडर सीजीटीएमएसई 2 करोड़ के लिए हम विदाउट एनी कोलेट्रल लोन देते हैं। हम लोग इसको भी प्रमोट कर रहे हैं जी, जी। हम लोग वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इवन परकोलेटिंग टू डाउन द लेवल कि आप ये जो सीजीटीएमएसई बेस्ड कवर्ड लोन्स इसको प्रमोट करें। हम इसमें एक्चुअली बैंकर्स को भी एडवांटेज है, कस्टमर्स को भी एडवांटेज है एंड इसका काफ़ी पॉपुलरिटी बढ़ रहा है। जो और एक नया स्कीम आया है कि हाइब्रिड स्कीम, जिसमें कि पार्ट ऑफ द लोन कवर्ड अंडर सीजीटीएमएसई और पार्टली सिक्योरिटी। तो इस जैसे कि किसी के पास अगर सफिशेंट सिक्योरिटी नहीं है तो 2 करोड़ तक सीजीटीएमएसई कवर डिफरेंस अमाउंट कोलेटरल लोन दे के ले सकते हैं। इसका भी काफ़ी पॉपुलरिटी बढ़ रहा है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं जैसे कि एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी फायदा मिले जी। तो देख रहे हैं अग्रवाल साहब, आप जो है उद्योग जगत में जो आपके पास नए युवक नया उद्योग लेकर के आते हैं उनको ये चीज़ें कम्युनिकेट की जा सकती हैं और समय पर आप कम्युनिकेट करते भी हैं और उनको एज अ मेंटोर गाइड भी करते हैं जी। तो ये एक अच्छा कदम है बैंक के थ्रू जो है कि कोलेट्रियल कम होने की सिचुएशन में वो लोन को इस तरह से हाइब्रिड सिस्टम पर प्रोवाइड करते हैं। अब बात आती है महिला उद्यमी की। मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल साहब से जानना चाहूँगा कि उन्हें किस तरह की ये समस्याएं जो महिला उद्यमी होती हैं वो किन समस्याओं का सामना करती हैं उद्योग जगत जी। महिला डॉक्टर साहब एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, मैं अपने प्रश्न का उत्तर लेने से पहले जी। कॉलर साहब से जी, नंद स्वरूप जी नमस्कार। बारामंकी मैं जानना चाहते हैं कि उद्योग में निवेश करने के लिए एक साधारण व्यक्ति के पास कितने पूंजी, कितना अमाउंट और कितना पैसा होना चाहिए। ये प्रश्न मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल साहब से लूंगा कि किसी व्यक्ति को अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके पास कितना कैपिटल होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जी, मैं सवाल पूछने वालों को धन्यवाद देता हूँ। आप बेसिक बात ये समझे कि आप किस तरह का और कितना बड़ा धंधा करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी पूंजी चाहिए। आप छोटा काम करना चाहते हैं तो छोटी पूंजी से चाहिए, लेकिन मुझे लगता है आप शायद ये पूछने चाहते रहे कि टोटल इन्वेस्टमेंट का कितने प्रतिशत होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक सेफ बात ये होगी कि लगभग 25-30% निश्चित रूप से आपके पास हो। हालांकि सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं, ब्रिज लोन्स हैं, सब्सिडीज़ हैं, जिससे आपकी कुल पूंजी शायद 10% ही रह जाएगी, लेकिन शुरू करने के लिए उतनी तैयारी के साथ शुरू कीजिए, फिर आपको कम से भी काम चल जाएगा। दासा, इसी प्रश्न में मैं एक एडिशनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर व्यक्ति कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसमें कितना पैसा, कितनी पूंजी वो लगाए और कितना बैंक सपोर्ट कर सकता है। शायद मैं समझता हूँ कि नंद स्वरूप जी को और अच्छा उत्तर मिलेगा। करेक्ट जी, जी। देखिए कि आप अगर कोई जैसे कि गवर्नमेंट वेरियस स्कीम्स प्रमोट करते हैं कि जैसे कि नए नए एंटरप्रेन्योर आगे आए, इसके लिए उनको काफ़ी मार्जिन मनी और सब्सिडी के हिसाब से सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट के साइड से। उस क्षेत्र में हम लोग को एटलीस्ट 5% तक अगर वो मार्जिन लाएं, डिफरेंस अमाउंट सब्सिडी और मार्जिन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो दे गेट, सो अप टू 75% वी फाइनेंस। अदरवाइज इफ इट इज अगर ये जनरल स्कीम है 75% उनका जो जितना प्रोजेक्ट कॉस्ट है 75% हम लोग फाइनेंस कर सकते हैं। मतलब 5% भी अगर वो दे पाते हैं, 5% ओन फंड, 20% दे आइदर वो ए मार्जिन, जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से काफ़ी स्कीम्स है इसमें कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सपोर्ट करते हैं बाय वे ऑफ मार्जिन मनी और सब्सिडी। 20-25% तक मिनिमम अगर देखा जाए तो आपके पास कम से कम 25% की पूंजी होनी चाहिए, जिसके बाद जो है आप अपना बिजनेस शुरू करें तो बैंक सपोर्ट के लिए आगे आएगा। तो अपने प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं, महिला उद्यमी की जो समस्याएं हैं अग्रवाल साहब, आप किस तरह से वहां पे, चूंकि आपके पास लाइव एग्जांपल्स बहुत सारे होंगे तो एक जिस्ट हमें बताइए कि किस तरह की समस्याओं का वो सामना करते हैं। बहुत सही सवाल है सर। क्या है, पितरी अपने यहाँ जो सत्ता है वो पितरी सत्ता वाला काम है। आप ये मान के चलिए, और ये जमीनी हकीकत ये है कि महिला उद्यमी को विज़े विज़
एक पुरुष उद्यमी के बहुत दिक्कत आती है लोन लेने में। वो कोई भी बॉडी हो, वो कोई भी बैंक हो, वो कोई भी लेन देने वाली एजेंसी हो, पूछते हैं कि और कौन है साथ, पीछे कौन है। एक बेसिक दिक्कत आती है, वो जो पुरानी सोच ले रहे हैं कि शायद ये उतना नहीं कर पाएंगी, क्या ये कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, ये एक मेजर समस्या है। आरबीआई ने 2022 में 20 में कहा कि साहब ये क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ाई जाए। 2022 में 30 लाख करोड़ का गैप है क्रेडिट जो एमएसएमई को जाना है, और उसमें मेजर जो गैप है वो महिलाओं के लिए। आज भी 76% जो आंकड़ा है, महिलाएं अपनी निजी पूंजी से कैसे काम चलाती हैं। तो महिलाओं को आज भी पैसा मिलने में इसलिए दिक्कत है कि माना जाता है कि पता नहीं कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। लेकिन कैसे महिलाएं जो है अपने आप में एक बहुत अच्छी मैनेजर्स हैं और जो इन चीजों को आगे बढ़ाती हैं, हमसे बेहतर मैनेजर, हमसे बेहतर है। तो मैं इस बारे में आपसे जानना चाहूंगा दास साहब कि महिला उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए बैंक कौन से सहयोग दे रहे हैं। बैंक एक्चुअली हम लोग ये अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखते हैं। जी जी। तो इसीलिए हम लोग एक स्कीम स्टार्ट की है नारी शक्ति, जिसमें कि हम लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोसेसिंग चार्जेस हम कंसेशन देते हैं इन कंपैरिजन टू अदर लोन्स, मेल के कंपैरिजन से। क्या बात है। तो ये हम लास्ट ईयर से स्टार्ट किए हैं और प्रति ब्रांच को हम टारगेट दिए हैं कि आप इतने लेडी एंटरप्रेन्योर्स को ये स्कीम में आप इंक्लूड करें। एंड ये हमारा रीजनल ऑफिस, एफजीएम ऑफिस, हेड ऑफिस से फॉलोअप डेली बेसिस में होता है, ग्राउंड लेवल में क्या हो रहा है। तो हमारी महिला उद्यमी दर्शक हैं, कृपया ध्यान दें कि उनके लिए नारी शक्ति के नाम से जो है बैंकिंग सेक्टर लोन प्रोवाइड कर रहा है, वो भी पुरुषों के कंपैरेटिवली आसान और सस्ते दर में। यस, क्या बात है। और एक है, हम रिसेंटली मई 5th से एक प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, इट इज ए पैन इंडिया बेसिस। 100 डेज के अंदर 125,000 महिलाओं को फाइनेंस करने के लिए एमएसएमई सेक्टर में वी हैव टेकन इट एज ए मिशन मोड एंड वी आर इन वेरी सक्सेसफुल। क्या बात है। दास साहब, एक चीज और जानना चाहूँगा कि क्या ये, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि महिलाओं को आगे लाने के लिए आप बैंकिंग सेक्टर जो है काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, क्या एक जनरल फेनोमेना है कि महिला है तो लोन चुका पाएगी कि नहीं चुका पाएगी, ऐसा जेंडर बायसनेस देखा जाता है क्या? ना, ये इसीलिए आता है कि सिक्योरिटी एंगल से हम सोचते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट का जो स्कीम CGTMA से कवर है, हमारा जो नारी शक्ति स्कीम है, तो इट 2 लाख से 5 करोड़ तक है। 2 करोड़ तक तो हमारा CGTMA से में कवर हो जाता है, तो बैंकर्स हमको कंफर्ट मिलता है महिलाओं को लोन देने में, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि दे आर बेटर मैनेजर ऑफ द फाइनेंस एंड बेटर मैनेजमेंट ऑफ द इनफैक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो बैंकर पर्टिकुलर यूनियन बैंक, We are having the comfort giving to the MSME। राजवी सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये जो महिलाओं का योगदान है वो पुरुषों की तुलना में कितना प्रतिशत, आंकड़े पर मैं बात करना चाहूँगा कि चूंकि आप जो है वहाँ पे हैं, तो मुझे आंकड़ों के बारे में थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन। मैं आपको एकदम कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मुश्किल से अभी भी 5-10% महिलाएं हैं जो कि यूनिट चला रही हैं, लघु उद्योग चला रही हैं। दास साहब ने कहा बहुत अच्छी बात है, दास साहब ने 2-3 बातें बताई, बड़ा अच्छा चल रहा है। बट आप देखिए, आज भी मैं देख रहा था आने से पहले, लोन एप्लीकेशन रिजेक्शन परसेंट मेल की 8% है, महिलाओं की 17% है। हालांकि मुझे लगता है 5 मई के बाद जब दास साहब का काम शुरू हो जाएगा तो ये परसेंटेज थोड़ी निश्चित रूप से बदल जाएगी। तो बहुत सही कह रहे हैं दास साहब। मैं वापस आपसे जो है यही प्रश्न करना चाहूंगा कि देखिए, ये जो आपने आंकड़ा दिया लोन रिजेक्शन का, नो डाउट लोन रिजेक्ट होते हैं, लेकिन कई बार केवल बैंक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये हम नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक। होता क्या है कि उनको फॉर्म में क्या क्या जानकारियां देनी है, जानकारियों का माध्यम किस तरह से उन्हें एक्सप्रेस करना है, वो भी नहीं होता। तो क्या आप बैंकिंग सेक्टर वाले इस दिशा में मतलब महिलाओं को एजुकेट करने के लिए कि किसी लोन को किस तरह से अप्लाई करें या लोन लेने की क्या क्या स्टेप्स हैं, उनके बारे में कोई वो प्रोग्राम करते हैं क्या? नहीं, करेक्ट। हम लोग इन मध्य प्रदेश में हमारा 6 डिस्ट्रिक्ट हम लोग सिलेक्ट किए हैं आज आवर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कि हम लोग एवरी मंथ ऑल दी ब्रांचेस दे आर कंडक्टिंग आउटरीच प्रोग्राम, जैसे कि दे विल गो टू दी कस्टमर पॉइंट, वेरियस
क्लस्टर में जाके कैम्प करते हैं, अपफ्रंट कस्टमर को मिलते हैं, उनका जितना रिक्वायरमेंट है और जो हिचेस है उसको हम सॉल्व करते हैं। सो वी आर रीचिंग आउट टू द कस्टमर इन द प्रोसेस इंक्लूडिंग द लेडीज ऑल्सो। क्या बात है, टू फैसिलिटेट। कोई वेबसाइट या कुछ जो है ऐसा माध्यम हो जिनके थ्रू महिलाएं जो है इसे जो है अवेयर हो सकें कि किस तरह से लोन लेना हो, तो वो भी आप हमारे दर्शकों को बता सकते। यूनियन बैंक के वेबसाइट आप लॉग इन कर सकते हैं, पूरा एवरी ऑल द डाटा ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जी जी, तो एक चीज और जानना चाहूँगा राजीव सर आपसे कि फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए महिलाएं जो है उद्योग जगत में आती हैं, तो आपका एसोसिएशन ऐसे उद्यमियों के लिए क्या कर रहा है? बहुत सही है, इनफैक्ट हमें ये इस बात का एहसास है और कुछ लोग उद्योगों में अब आ भी हैं और कुछ हम अपने मेहमानों को भी कह रहे हैं, अपने साथियों को भी, कि अपनी महिलाओं को आगे लाएं। लेकिन एक बड़ी हैंड होल्डिंग की जरूरत है, कि हाथ पकड़ के आगे ले जाने की जरूरत है। बिल्कुल सही है, हम उसके प्रति बड़े कॉन्शियस है और हम बकायदा उसके लिए उनके साथ 1-to-1 काउंसलिंग, उनकी ट्रेनिंग्स, उनको कहाँ स्टेप टू स्टेप कि अब कौन सा कदम उठाना है, कब कौन सा सर्टिफिकेशन लेना है, उसके लिए उनको पूरी हेल्प कर भी रहे हैं, ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा भी, एक फोकस आ गया है क्योंकि लालच भी आ गया है कि इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा, रजिस्ट्री में भी कॉस्ट कम है, तो उससे ये लगता है कि महिलाओं को अब आगे आने की जरूरत है। तो एसोसिएशन अपने स्तर पर लगातार लगी हुई है और हमने कोशिश कर रहे हैं कि 1-to-1 मेंटर मेंटी का जैसा काम भी हम कर पाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं आपसे दास साहब जो है प्रश्न पूछना चाहूंगा कि बैंकिंग सेक्टर अपनी स्थिरता पारदर्शिता और बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है? इनफैक्ट बैंक नाउ इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। हमारा जो 4 साल पहले जो कुछ इश्यूज़ था रिगार्डिंग डबल बैलेंस शीट इश्यूज़ था, जैसे कि कस्टमर बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस शीट, वो सब तो ओवर। नाउ वी आर इन ए ग्रीनर पास्चर, जैसे कि बैंकर का बैलेंस शीट बहुत बढ़िया है, कैपिटल एडिक्वेसी बहुत बढ़िया है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो डिजिटाइजेशन होने के बाद द फेयरनेस इट हैज इंक्रीज ए लॉट। जी जी, सोशल वेलफेयर स्कीम्स के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। बैंक इनफैक्ट आपको तो रिगार्डिंग PMSBY, JJBY जो इंश्योरेंस रिलेटेड है, APY आपको पेंशन रिलेटेड है, बैंक इनफैक्ट गोइंग टू दी कस्टमर के पास जाके मोबिलाइज कर रहे हैं ये सब। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वेरियस गवर्नमेंट स्कीम में भी बैंक पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर बैंक काफ़ी आगे हैं, जाके कस्टमर्स को जितना उनका लोन रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल कर रहे हैं। और जो DBT में बैंकर्स आर वेरी ऑल्सो हेल्पफुल, इनफैक्ट दे आर कमिंग फॉरवर्ड जो कस्टमर के पास पैसा पहुंच पाए। जी जी जी, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि बैंक जो है सोशल वेलफेयर के साथ साथ उद्योग जगत का भी सहयोग कर रहा है। उद्योग जगत तो है ही और सोशल भी जो है अच्छा कर रहा है। तो अब चलते चलते हम जो है अग्रवाल साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे कहना चाहूँगा कि वक्त बदल रहे हैं, बैंक बदल रहे हैं, पहले से बहुत आसान भी हो गया और सहज भी हो गया है कि आप अपना उद्योग लगा पाए। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि ईश्वर की ये मर्जी है कि आप उद्योगपति बने, क्योंकि जब दुनिया बनी थी तो कोई किसी का नौकर नहीं था, सब अपना अपना काम करते थे। तो निश्चित रूप से आगे आइए दास साहब जैसे बैंकर करेंगे। संदेश देना चाहेंगे मैं यूनियन बैंक की तरफ से, आपको ये संदेश दे सकता हूँ कि यूनियन बैंक हमें अच्छे लोग हैं और अच्छा बैंक है। आप जाइए नियरेस्ट ब्रांच में कॉन्टैक्ट कीजिए, वी आर ओपन टू यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे दर्शकों को ढेर सारी जानकारियां दी। थैंक यू। तो दर्शकों, इस प्रकार से देखा गया आपने, उद्योग जगत भी निरंतर प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने के लिए और उसके कदम से कदम मिला रहा है बैंकिंग व्यवसाय। बैंकिंग सेक्टर भी पूरा सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो सोशल हो या उद्योग की बात हो या महिला के विकास की बात हो, सभी जगहों पर जो है बैंक बराबर कंधे से कंधा मिलाए हुए खड़ा है और साथ ही साथ मदद भी दे रहा है। बस जरूरत है हमें अच्छी तरह समझने की और उनकी सहायता को लेने की। तो अगले सप्ताह में फिर हम मिलेंगे, इसी टॉपिक पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।